आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने दाद, खाज और खुजली की बीमारी को खत्म कर सकेंगे। अक्सर बरसात और गर्मी के मौसम में लोगों को सबसे ज़्यादा दाद, खाज और खुजली की समस्या होती है। अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो वह तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करता है और तरह तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, जिसका कि उसका कोई भी लाभ नहीं हो पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आप अपने दाद, खाज, खुजली और दिनाई की समस्या को ख़त्म कर सकेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड जानकारी देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा वो है दोस्तों करेला। दोस्तों जैसे ही स्वाद में कड़वा होता है करेला, वैसे ही ये हमारे दाद, खाज, खुजलियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। इसके लिए आपको इस करेले को पीस कर इसका आपको पेस्ट तैयार कर लेना है और इस पेस्ट में आपको ऐड करना है थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। हल्दी बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए और उसके बाद से आप इसमें एक कपूर का टिकिया मसल कर इस्तेमाल कर ले। तीनों इंग्रेडिएंट को बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद से आपको इसी पेस्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको जहाँ पर भी दाद, खाज, खुजली की समस्या है, उस जगह को आप गुनगुने पानी से साफ कर ले, यानी कि धो ले। धोने से आपको जो ऊपर के बैक्टीरिया होगा वो वहाँ से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप किसी कपड़े की मदद से उसे पोंछ ले। पोंछने के बाद से आपको उसी पेस्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करना है। आप एक कॉटन ले, उस कॉटन को आप पेस्ट के अंदर डीप कर ले और डीप करने के बाद से आपको उसी पेस्ट का यानी कि उसी कॉटन का आपको अपने दाद, खाज, खुजली और दिनाई के ऊपर लगाना है। अगर आप ऐसा इस्तेमाल लगातार दिन में 3 बार और 8 से 10 दिनों तक करते हैं तो आप अपने दाद, खाज, खुजली और दिनाई की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों जिन भी व्यक्तियों को दाद, खाज, खुजली, दिनाई की समस्या है, वो प्रयास करें कि किसी दूसरे व्यक्ति के तौलिया और कपड़े का इस्तेमाल ना करें, साबुन का इस्तेमाल ना करें। आपको अपने लिए बिल्कुल एक सेपरेट सामान को सारा रखना होगा, तब जा कर के आपको दाद, खाज, खुजली की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।